हमारी गेम का आइडिया बिल्कुल सिंपल है हमें सुपर मारियो बनानी मीन्स के हमें सुपर मारियो का क्लोन बनाना है और मैंने इस गेम को इसलिए चूज़ किया बिकॉज एक तो सुपर मारियो को ऑलमोस्ट सभी ने खेला है और दूसरा इस गेम में बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिकल और गेम डिजाइनिंग डिसीजन लिए गए जो कि इस गेम को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं तो हमारी गेम का आइडिया तो हमें मिल गया अब आते हैं एसेट्स की तरफ एसेट्स हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं बट जैसे कि हमने बताया एसेट्स डिपेंड करते हैं किस टाइप की गेम बना रहे हैं जैसे कि हम एक टू गेम बना रहे हैं तो उसके लिए हमें टू एसेट्स की ज़रूरत पड़ती है और जो टू एसेट्स हमें मिलते हैं वो मिलते हैं हमें स्प्राइट शीट की फॉर्म में जो कि देखने में काइंड kind ऑफ of ऐसे लगते हैं जिसमें हमें मल्टीपल इमेजेस मिलते हैं जिसमें मल्टीपल करेक्टर्स हो सकते हैं एनिमीज हो सकते हैं और दूसरी और नेसेसरी चीज़ें हो सकती हैं जो कि एक वीडियो गेम बनाने के लिए ज़रूरी होती है तो हम क्या करेंगे इन सभी स्प्राइट शीट्स को कलेक्ट करेंगे और उसे एक फोल्डर में सेव कर लेंगे तो अब हमारे पास एसेट्स हो चुके हैं नेक्स्ट अब हम एक गेम इंजन चूज़ करना है और जैसे कि आप जानते हैं कि हम यूनिटी गेम इंजन को चूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे जो हमारे पास एसेट्स हैं उन सभी एसेट्स को हम यूनिटी गेम इंजन में इंपोर्ट कर लेंगे और वहां पर उन्हें सेव कर लेंगे अब इससे पहले हम वीडियो गेम बनाना शुरू करें हम थोड़ा सा गेम इंजन के बारे में बात कर लें तो हम क्या करेंगे सबसे पहले यूनिटी गेम इंजन को ओपन करें और जब हम ओपन करते हैं तो देखते हैं कि इसमें हमें बहुत सारी विंडोज़ मिलती हैं तो हम सिर्फ मेन विंडोज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहले एक विंडो आती है जो है सीन विंडो सीन विंडो में हम हमारा सीन क्रिएट करते हैं कैसे हम जो भी एसेट्स हैं उन सभी एसेट्स में से इमेजेस होती हैं उन्हें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और वहाँ से एक सीन क्रिएट करें और जब भी हम कोई इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो हम देखते हैं कि सामने के हरार के विंडो में हमारे पास एक लिस्ट बन जाती है ऑब्जेक्ट्स की जो भी हमने उस सीन विंडो में ड्रैग एंड ड्रॉप की और इन सभी ऑब्जेक्ट्स को जो हम गेम बनाने के लिए यूज करते हैं उन्हें हम गेम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं और अगर हम थोड़ा गेम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो जब हम मेन कैमरा पे क्लिक करते हैं जो कि अगेन एक गेम ऑब्जेक्ट ही है तो आप देखेंगे कि उसकी कुछ कंपोनेंट्स हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि ट्रांसफॉर्म एंड एट्सेट्रा इन सभी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम न्यू कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं जैसे कि फिजिक्स कंपोनेंट ग्रेविटी एट्सट्रा और यहाँ पर हम स्क्रिप्ट भी अटैच कर सकते हैं ताकि हम एक वीडियो गेम को बना सकें इसके अलावा हमारे गेम इंजन में होती है प्रोजेक्ट विंडो इस प्रोजेक्ट विंडो में क्या है जो भी हम एसेट्स यूज़ करेंगे जो भी सभी चीज़ें हैं वो सभी इस प्रोजेक्ट विंडो में सेव रहती हैं इसके अलावा एक होती है हमारे पास गेम विंडो गेम विंडो में गेम हमारी कैसे बन रही है वो हम देख सकते हैं और वहां पर हम वीडियो गेम को टेस्ट भी कर सकते हैं कैसे जब भी हम प्ले बटन पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि हम हमारी गेम को खेल सकते हैं और उसे टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी गेम कैसे बन रही है तो ये तो थी देखो थोड़ी सी नॉलेज यूनिटी गेम इंजन के बारे में अब हम आते हैं हमारे गेम की तरफ देखो जब भी आप किसी गेम को बनाना शुरू करें तो ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल एंड सिंपल स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंपल शुरुआत करो बिल्कुल स्मॉल शुरुआत करो फिर धीरे धीरे उसके ऊपर बिल्ड करो तो स्टार्टिंग में भी हम बिल्कुल सिंपल शुरुआत करेंगे हम क्या करेंगे हमें सबसे पहले क्या चाहिए हमें चाहिए एक प्लेयर और एक ग्राउंड जिसके ऊपर हमारा प्लेयर खड़ा हो सके सिंपल राइट तो हम क्या करेंगे हमने जो स्प्राइट शीट्स कलेक्ट की थी उसमें से हम एक इमेज प्लेयर की इमेज को उठाएंगे और उसे सीन विंडो में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें और उसके बाद हम ग्राउंड की इमेज़ को उठाएंगे और उसे सीन विंडो में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और हमारे पास एक प्लेयर हो जाएगा और एक ग्राउंड हो जाएगा अब अगर हम प्ले बटन पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि अभी कुछ नहीं हो रहा राइट हमारा प्लेयर ग्राउंड से नहीं टकरा रहा क्यों क्योंकि अभी हमें उस पर फिजिक्स कंपोनेंट्स नहीं लगाए तो इसलिए हमें पहले हमारे प्लेयर पर और हमारे ग्राउंड पर फिजिक्स कंपोनेंट लगाने पड़े और कंपोनेंट्स लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि अब जब हम प्ले बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा प्लेयर ग्राउंड से टच करता है और ऐसे लगता है जैसे हमारे प्लेयर पर ग्रेविटी लगी हुई है अब हम चाहते हैं कि हमारा प्लेयर मूव करे मीन्स के जब भी हम की से कुछ इनपुट दें हमारा करेक्टर मूव करे मीन्स के राइट की प्रेस करने पर राइट को मूव करे लेफ्ट की प्रेस करने पर लेफ़्ट को मूव करे और स्पेस दबाने पर जंप करे मीन्स के यहाँ पर हमें एक इनपुट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा और इनपुट सिस्टम क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी यानी कि प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी और जैसे कि आप जानते हैं कि यूनिटी गेमिजन सी शार्प लैंग्वेज को सपोर्ट करता है तो हम सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करेंगे और प्रोग्रामिंग करने के लिए जो हम एडिटर यूज करेंगे वो है विजुअल स्टूडियो बिकॉज़ खुद यूनिटी विजुअल स्टूडियो को ही सपोर्ट करता है तो हम विजुअल स्टूडियो में प्रोग्रामिंग करेंगे और हमारे प्लेयर के लिए स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे देखो गाइस यहाँ पर हम गेम प्रोग्रामिंग के बारे में तो नहीं बात करेंगे तो हम उस चीज़ को स्किप कर देते हैं उसे हम ट्यूटोरियल्स में बात करेंगे तो हम क्या करेंगे विजुअल स्टूडियो में स्क्रिप्ट को क्रिएट करेंगे और जो हमारे पास स्क्रिप्ट क्रिएट हुई है अब हम उसे प्लेयर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और हम प्लेयर पर इनपुट सिस्टम लगा देंगे और अब आप देखते हैं कि जब हम प्ले बटन पर क्लिक करते हैं तब राइट right की प्रेस करने पर हमारा करैक्टर राइट right को मूव करता है लेफ्ट की प्रेस करने पर लेफ्ट को मूव करता है और स्पेस दबाने पर जंप करता है बट अभी आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है वो क्या चीज़ मिसिंग है वैल well, वो चीज़ मिसिंग है एनिमेशन तो यहाँ पर हमें एनिमेशन क्रिएट करना पड़े तो अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास स्प्राइट शीट थी उन स्प्राइट शीट से हम एनिमेशन क्रिएट करेंगे अलग अलग टाइप का एनिमेशन हमारे प्लेयर के लिए जैसे कि मूव करने के लिए वॉकिंग एनिमेशन जंप करने के लिए जंप एनिमेशन और डेथ के लिए डेथ एनिमेशन तो इन सभी एनिमेशन को हम क्रिएट करेंगे और अब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू इन सभी एनिमेशन को हम हमारे प्लेयर पर अटैच करेंगे और एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर प्ले करें और अब हम जब दोबारा प्ले बटन पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि अब हमारा करेक्टर राइट की प्रेस करने पर राइट को मूव भी करता है और राइट का एनिमेशन भी प्ले होता है लेफ्ट की प्रेस करने पर लेफ्ट को मूव करता है और हमारे पास लेफ्ट एनिमेशन प्ले होता है और जंप करने पर जंप एनिमेशन प्ले होता है तो फाइनली हम देख सकते हैं कि हमारा प्लेयर तो ऑलमोस्ट रेडी है राइट right? अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए हमें चाहिए एक एनिमी और सुपर मारियो में सबसे पहले आने वाला एनिमी क्या है वो है गुम्बा तो अब हम क्या करेंगे हम एक गुम्बा क्रिएट करें तो हम बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्लेयर क्रिएट किया हम वैसे ही पहले हमारे गुम्बा का एनिमेशन क्रिएट करेंगे उस पर फिजिक्स कंपोनेंट लगाएंगे और अब यहाँ पर आता है चैलेंजिंग पार्ट चैलेंज ये है कि प्लेयर को तो हम खुद कंट्रोल करते थे लेकिन यहाँ पर गुम्बा को खुद ब खुद कंट्रोल होना है उसे ऑटोमेटिक काम कर तो हम उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए भी हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे जिसमें हम ये लिखेंगे कि हमारा गुंबा एक डायरेक्शन में मूव करे और जब भी वो किसी ऑब्स्टेकल से टकराता है जैसे कि पाइप तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले बिल्कुल सिंपल तो इस स्क्रिप्ट को क्रिएट करेंगे और इसको हम हमारे गुम्बा पर अटैच कर देंगे और अब हम जब प्ले करते हैं तो देख सकते हैं कि हमारा गुम्बा राइट डायरेक्शन में मूव करता है और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है और बिल्कुल सेम मेथड यूज कर हम एक और एनिमी क्रिएट कर लेंगे जो कि है टटल उसको भी हम सेम स्क्रिप्ट अटैच करेंगे सेम उस पर एनिमेशन लगाएंगे और उससे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने गुम्बा क्रिएट किया है वैसे ही हम उसे क्रिएट कर लेंगे तो देख सकते हैं अब हमारे पास दो एनिमी है और एक प्लेयर है तो अब हम क्या करेंगे हम इन सभी चीज़ों का एक प्री बनाकर सेव कर लेंगे अब आप पूछोगे कि प्रीफेब क्या होता है वेल इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे अभी के लिए इतना जान लो जो भी हमारे गेम ऑब्जेक्ट्स हैं उन गेम ऑब्जेक्ट्स को हम अगर प्रोजेक्ट विंडो में यानी कि एस एस फोल्डर में सेव करते हैं तो वो हमारे प्री बन जाते हैं वो गेम ऑब्जेक्ट हमारा प्री बन जाता है जैसे कि प्लेयर और अब इस प्री का सबसे बड़ा फायदा हमें ये है कि अगर हम हमारे प्लेयर को दोबारा सीन विंडो में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो देखते हैं कि हमें उस पर कुछ न्यू ऐड करने की जरूरत नहीं है हमें हमारे प्लेयर को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज उस पर पहले से ही जो भी कंपोनेंट्स हमने पहले लगाए थे जैसे कि फिजिक्स एनिमेशन और स्क्रिप्ट वो सभी उस पर अटैच है और उसी गेम ऑब्जेक्ट को हमने प्रीफेप के तौर से सेव किया था और उसी गेम ऑब्जेक्ट को जितनी बार हम चाहें उतनी बार यूज कर सकते हैं जिससे कि हमें प्रीफेप का सबसे बड़ा फीचर मिलता है वो है रीयूजिलिटी जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे लेकिन इससे पहले हमें क्रिएट करना होगा एक कलेक्टेबल जैसे कि अब हम मारियो में देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले आने वाला जो कलेक्टेबल है वो है क्वेश्चन मार्क तो हम क्या करेंगे एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करें और अगर हम क्वेश्चन मार्क की पहले फंक्शनैलिटी की बात करें तो हम देखते हैं कि जब भी मारियो जंप करता है और वो क्लाइड करता है क्वेश्चन मार्क से तो उसमें से कॉइन टॉस होता है तो अब हमें ये सेम फीचर हमारी गेम के लिए भी बनाना है तो हम क्या करेंगे हम पहले हमारी जो स्प्राइट शीट्स हैं उनमें से हम क्वेश्चन मार्क का एनिमेशन क्रिएट कर लेंगे और उस पर फिजिक्स कंपोनेंट लगा देंगे ताकि हमारा प्लेयर उसे कोलाइड कर सके और अब वहाँ पर हम स्क्रिप्ट लगाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि जब भी हमारा मारियो जंप करे और वो क्वेश्चन मार्क से टकराए तो क्वेश्चन मार्क में से कॉइन टॉस हो बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी कोई कॉइन नहीं तो हम उसे कैसे टॉस करें तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा हम पहले एक कॉइन बनाएंगे तो स्प्राइट शीट की हेल्प से हम पहले एक कॉइन बनाएंगे उस पर एनिमेशन लगाएंगे और उस पर एक स्क्रिप्ट अटैच करेंगे कि जब भी वो स्पॉन हो वो एक डायरेक्शन में मूव करे और उसके बाद खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये स्क्रिप्ट लगाने के बाद हम उसे प्री फैब की तरह सेव करें और अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि री का फीचर है तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम उसे क्वेश्चन मार्क के ऊपर स्पॉन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम अब अगर हम दोबारा गेम को खेलते हैं तो देख सकते हैं कि जब भी हम टकराते हैं क्वेश्चन मार्क से तो उसमें से कॉइन टॉस होता है और वो टॉस होने के बाद खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है तो अगेन हमने न्यू कलेक्टेबल बना लिया अब हम इसे सेम टू सेम प्रैब बनाकर सेव कर, कर लेंगे तो अब हमारे पास सभी चीजों के प्रीफेब आ चुके हैं हमारे पास प्लेयर का प्रीफेब है एनिमीज के प्री है इसके अलावा ग्राउंड का प्री है हम पाइप का प्रीफेब भी बना लेंगे कोलेक्टेबल भी है इन सभी के प्री से हम अब एक सीन क्रिएट करें तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया हम रिजिबिलिटी फीचर यूज हो जाता है तो इन सभी प्रीफेब्स की हेल्प से हम हमारा सीन क्रिएट करना शुरू करेंगे गेम का एक लेवल बनाए तो जल्दी से हम एक लेवल बना लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल इन्हीं प्रीफ से एक न्यू सीन क्रिएट कर लिया न्यू लेवल क्रिएट कर लिया जो कि काफी अच्छा बना है अब हम क्या करेंगे अब हम हमारी गेम को थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं तो जब हम गेम को टेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि गेम अच्छे से काम कर रही है हर एक चीज अच्छे से काम कर रही है लेकिन अब आप कहोगे कि यार गेम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है राइट right? नौ no, अभी तो गई शुरुआत है बिकॉज अभी आती हैं प्रॉब्लम्स कौन सी प्रॉब्लम्स गेम प्ले प्रॉब्लम्स अब हम चाहते हैं कि हमारा गुम्बा जब मारियो से टकराए तो मारियो डिस्ट्रॉय हो जाए लेकिन जब मारियो गुम्बा पे जंप करे तो गुम्बा डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये फ़ीचर हमें ऐड करना पड़ेगा तो इसके लिए हमें अलग से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी नेक्स्ट एक और फ़ीचर ऐड करना है हमें वो ये है अगर गुम्बा मारियो से टकराता है तो तो चलो सिंपल एक काम हो जाता है बट अगर गुम्बा किसी दूसरा गुम्बा से टकराए तब क्या हो उसके लिए भी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी मीन्स के जो भी चीज़ें अलग अलग दिख रही हैं गेम प्ले रिलेटेड उन सभी चीज़ों की हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी ये होती है हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं और इन सभी प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना पड़ता है और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता लेकिन जैसे जैसे आप फीचर ऐड करते जाओगे जैसे जैसे आप गेम बनाते जाओगे आपकी गेम कॉम्प्लेक्स होती जाएगी जितनी गेम कॉम्प्लेक्स होगी उतनी कॉम्प्लेक्स उसकी प्रॉब्लम्स होगी उतना ही आपको टाइम लगेगा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने इसलिए कहते हैं कि गेम को बनाने में इतना टाइम लगता है बिकॉज आपको नहीं पता चलता कि कब कौन सी प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसे ही मैं फीचर्स को ऐड करता गया प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता गया और ऐसे मेरी गेम बनने लगी और एक महीने के बाद आप अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी प्रोग्रेस क्या है तो चलो गेम को टेस्ट करते हैं तो अब अगर हम गेम को देखते हैं तो देख सकते हैं कि गेम खेलने लायक है अच्छे से काम कर रही है हर एक फीचर हमने डाल रखा है ऑलमोस्ट वैसे ही बन गई है जैसे कि एक औरिजिनल होती है तो मीन्स के यहाँ पर हमारी गेम रेडी है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूनिटी गेम इंजन में हम मल्टी मल्टीप्लेटफॉर्म के लिए गेम को बना सकते हैं तो सबसे पहले हम इसे बिल्ड करेंगे विंडोज़ के लिए तो जैसे कि देख सकते हैं कि विंडोज़ में भी ये गेम अच्छे से काम कर रही है नेक्स्ट हम इसे बिल्ड कर सकते हैं मोबाइल के लिए लेकिन उसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे तो मैंने कुछ चेंजेस किए और चेंजेस के बाद उसे मोबाइल में डाला एंड्रॉयड मोबाइल में टेस्ट किया और वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि गेम अच्छे से काम कर रही है हम गेम को खेल सकते हैं तो ऐसे हम एक वीडियो गेम को बनाते हैं तो गाइज ये सभी चीज़ें बताना आपको बहुत ज़रूरी थी बिकॉज मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता था कि गेम इंजन में कैसे काम करते हैं कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं कैसे डिज़ाइन करते हैं और कैसे हम एक वीडियो गेम को बनाते हैं ये सभी चीज़ें बताना जरूरी थी बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आप किस वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो आपका काम क्या होगा कितना आपको काम करना पड़ेगा कैसे आपको काम करना पड़ेगा क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा तो ये सभी चीज़ें हमने इस वीडियो में बता दी नेक्स्ट अगली वीडियोज़ में हम बात करेंगे गेम डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स के बारे में तो उसके लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि जितना हो सके लोगों को पता चल सके कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है कैसे गेम डेवलप होती है क्रिएट होती है और कैसे हम एक गेम को बनाते हैं कैसे आप एक गेम को बना सकते हो तो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करो एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम